Hello, students. I hope you all are doing good. Let's start today's chapter Reproduction in Plants. All of us know how important plants are for life on earth. All living things need to reproduce to survive their kind. The reproduction of plants is important not only to them but also to the whole world as no life can exist without plants.

ओके okay, और जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का वो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही प्लांट्स के लिए लेकिन साथ ही साथ इस इंटायर वर्ल्ड के लिए भी क्योंकि विदाउट प्लांट्स हम एग्जिस्ट कर सकते हैं ऑफ ऑफकोर्स नॉट ओके अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे राइट right? तो रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में है वो दो तरीके से होता है एक है आपका नेचुरल रिप्रोडक्शन एंड एक है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस नेचुरली फ्रॉम सीड्स but some plants also use other parts for reproduction let us do in detail about the various ways of reproduction in plants वैसे तो ज्यादातर जो प्लांट्स है वो नेचुरली आपके रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से बट और भी तरीके हैं रिप्रोडक्शन के तो उसे ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ओके सीड द मेन एजेंट ऑफ रिप्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स फ्लावर्स हैव पोलन व्हेन अ बी सीड्स ऑन अ फ्लावर the pollen sticks to its body. When the bee goes to another flower of the same kind, that pollen enters the stigma of that flower. Fertilization takes place and a fruit is formed. The fleshy pulp of the fruit protects the seeds that grow inside it. अच्छा देखिए जो फ्लारिंग प्लांट्स हैं उनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो आपका स्टार्ट होता है जैसे ही फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है ओके okay? फ्लावर्स में आपके पोलन होते हैं फिर बी जो है वो फ्लावर पे बैठती है फिर पोलन उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं फिर जब दूसरे फ्लावर पे जाती है सेम काइंड के तो वो पोलन उस फ्लार पे एंटर कर जाता है और इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रूट आपका बनता है अब जो फ्रूट है जो फ्लैशी पल्प होता है फ्रूट का वो क्या करता है सीड जो उसके अंदर होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ओके okay? नाउ

कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए फिर जब मॉर्निंग में आप उठेंगे तो एक सीड आपने लेना है वो अब आप आपका स्वेलअप हो चुका होगा फूल चुका होगा आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हम कोई भी आपकी जो ड्राई पल्स होती हैं लाइक आपका ग्रैब है या आपका किडनी बीन्स होते हैं आप इनको जब सोप करके रखते हो तो स्वेलअप हो जाते हैं ओके फिर आप क्या करेंगे आप आउटर कवरिंग देखेंगे तो आउटर कवरिंग होती है सीड कोट फिर जब आप सीड कोट को रिमूव करेंगे तो आपको दो सीड लिवस मिलेंगे तो यानी जो दो हाफ्स में आपका अलग हो जाएगा ना उसे हम कहते हैं ओके? Okay? फिर जब आप कॉटल को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको एक बेबी प्लांट नजर आएगा तो जो लोअर पार्ट होता है प्लांट का वो रूट होता है एंड अपर पार्ट होता है आपका शूट देखिए आपको प्रीवियस पेज में दिया गया था दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड राइट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेज सीडलिंग और बेबी प्लांट अ सीड नीड्स द राइट अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड वॉर्म टू जर्मिनेट जर्मिनेशन आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें सीड जो है वो एक सीडलिंग या फिर हम बोल सकते हैं कि बेबी प्लांट को प्रोड्यूस करता है बट उसके लिए उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए होते हैं लाइक वॉर्म है एयर एंड वाटर है रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स अब सीड को जॉमिनेट करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए सबसे पहले आपके पास एयर एंड वाटर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर आर इंपॉर्टेंट फॉर द जोमिनेशन ऑफ सीड्स लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी एक्टिविटी टू टेक अ बीकर अ रूलर एंड थ्री बीन सीड्स टू फिल द बीकर विथ वाटर थ्री टाइप बीन सीड्स टू द रूलर एट इक्वल डिस्टेंसेज फॉर प्लेस द रूलर डायग्नली इन द बीकर एज शॉन हेयर

आपने जो रूलर है यानी स्केल जो है आपने बीकर में रखना है पहला सीड जो है वो पानी में कंप्लीटली सबमर्ज होना चाहिए यानी पानी में बिल्कुल पूरी तरह से डुबा होना चाहिए जो मिडिल सीड होगा वो हाफ वाटर में होना चाहिए और हाफ एयर में एंड जो थर्ड सीड है वो कम्पलीटली वाटर के बाहर होना चाहिए ओके सो देर आर थ्री कंडीशन तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो मिडिल सीड है ना सिर्फ वही डोमिनेट हुआ क्यों क्योंकि उसे एयर एंड मॉइस्चर दोनों ही राइट क्वांटिटी पर मिले थे ओके, okay? जबकि जो सीड वन था, था, वो वाटर में सब था। उसको एयर नहीं मिला जबकि जो थर्ड सीड था वो आपका आउटसाइड था वाटर से यानी उसके पास सिर्फ एयर का एक्सेस था वाटर तो था ही नहीं राइट right? इसीलिए जो मिडल वन है वो आपका जर्मिनेट होगा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन इज टेम्परेचर सीड्स नीड एन ऑप्टिम टेम्परेचर टू जो टेम्परेचर शुड बी नीड द वेरी हाई एन एड और वेरी लेस इट शुड भी इन द रेंज ऑफ ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू चेक इट अच्छा सीड का ऑफ टेम्परेचर भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है जोमिनेट करने के लिए ओके ना ज्यादा कम होना चाहिए ना बहुत ज्यादा होना चाहिए इसका देखा जाए तो जो रेंज है वो इतना होना चाहिए राइट तो चलिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी थ्री Take three large jars and three small jars. 2. Place moist cotton wool at the bottom of each small jar. 3. Place a bean seed each on the moist cotton wool as shown. 4. Place each smaller jar inside a bigger jar. 5. Fill ice in the first bigger jar and boiled water in the second bigger jar. Leave the third bigger jar as it is. 6. Cover each jar with a piece of cloth. 7. Keep filling the two jars with ice and boiling water respectively. आपने तीन जार्स ले रहे हैं बड़े जार्स और तीन ले रहे हैं छोटे जार्स अब आप आपने क्या करना है कि मॉइस कॉटन वूल जो होता है ना उसको बॉटम में रखना है हर स्मॉल जार के बीन सीड को रखेंगे आप वो जो मॉइस कॉटन है ओके मॉयस कॉटन पे फिर आपने क्या करना है कि जो छोटे जार्स हैं आपके उनको आपने बड़े जार के अंदर रख देना है पहले बिगर जार में आपने आइस रखना है सेकेंड में आपने बॉइल्ड वाटर डालना है एंड थर्ड वोर्ड को आप थर्ड जो जार है उसको एज इट इज छोड़ देंगे इसके बाद आपने हर जार को एक क्लोथ के पीस से कवर कर देना फिर आपने क्या करना है कि जो दो जार्स हैं उनको फिल करते रहना आइस एंड बॉइलिंग वाटर से राइट तो आप देखेंगे कि जो आपका सीड जो जर्मिनेट हुआ है ना वो किस पे होगा जिसमें आपका जिसमें आपने जो वाटर उसको एज इट इज़ जिसको रखा था जिसमें आपने आइस डाला जिसमें आपने बॉइल्ड वाटर डाला क्योंकि वहाँ पे एक में एक्सट्रीम कोल्ड था एक में एक्सट्रीम हॉट था तो वहाँ पे वो जर्मिनेट नहीं कर पाया ओके थर्ड रिक्वायरमेंट इज सेल लाइट एंड सॉइल सनलाइट एंड सॉइल आर नॉट वेरी असेंशियल फॉर जॉर्मिनेशन अ सीट कैन जर्मिनेट विदाउट सॉइल एंड सन लाइट टू बट वंस सीड्स आर जॉमिनेटेड टाइप ऑफ सॉइल इन सफिशियंट सनलाइट इज रिक्वायर्ड बेट दैम देखिए जोमिनेशन के लिए सनलाइट और सॉइल का होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जैसे ही सीट जॉमिनेट होता है उसके बाद सीट को राइट टाइप ऑफ सॉइल चाहिए होता है सनलाइट की भी सफिशियंट क्वान्टिटी चाहिए होता है ओके स्टेजेज इन जॉमिनेशन ऑफ सीड्स जर्मिनेशन ऑफ सीड टेक्स एट वेरियस स्टेजेस अच्छा जो जर्मिनेशन होता है सीड्स का वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होता है ओके okay? बहुत सारे इसके आपके स्टेजेस है राइट right? जैसे कि आपका सीड है उसको वाटर दिया देन एयर एंड लाइट उसको मिला then उसके किस तरह से आपका फिर बेबी प्लांट आपका बनता है राइट डिस्पोजल ऑफ सीड्स यू नो दैट फार्मीड इन फील्स इंड गार्डन इन वेरियस स्पॉट एंड गार्डन but there are many plants that grow on their own how does it happen who sows their seeds amazing isn't it actually it happens naturally देखिए आपने देखा होगा कि कई बार जो फार्मर्स होते हैं कि वो बीज बो देते हैं फील्ड में या जो गार्डनर्स होते हैं वो अलग अलग पॉट्स में बोते हैं या गार्डन से बोते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं कि वो अपने आप से ही होते हैं तो इनके बीज कौन बोता है एक्चुअली ये नेचुरली होता है ओके मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स if all seeds simply fell and grew close to the parent plant there would not be enough space for the new plants to grow. So seeds are spread out over a large area where they get the right conditions to grow. Plants cannot move from one place to another on their own. So nature has some agents to scatter their seeds. Zadadar plants seeds produce karte hain, hum hain. Acha agar saare hi seeds parent plant ke तो वहाँ पे तो बहुत सारे प्लांट्स हो होंगे राइट जितने सीड्स होंगे फिर उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा शुरू क्योंकि उनके पास स्पेस तो नहीं होगा इनाफ सनलाइट नहीं उनको मिलेगी मिनरल्स नहीं मिलेंगे ओके सो so इसीलिए ये जो सीड्स होते हैं आपके ये दूर दूर ओवर लार्ज एरिया में फैल जाता है जिनसे उनको राइट कंडीशन में ले सके ग्रो करने के लिए अब लेकिन प्लांट्स अपने आप से तो मूव नहीं करते हैं फिर इनके सीड कैसे पहुंच जाते हैं दूसरी जगह एक्चुअली कुछ नेचुरल एजेंट्स हैं जो इन सीड्स को डिस्पर्स करने का काम करते हैं ओके

हवा उनको कैरी करते हुए चलती है अपने साथ ओके okay? जैसे कि डेंडिलियन की बात हम करें तो उसमें टाइनी हेयर्स होते हैं जो विंग्स की तरह एक्ट करते हैं जिससे कि वो सीट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं एयर में ओके कॉटन सीट की बात करें लंबे फाइबर्स होते हैं जो एयर को ट्रैप करते हैं और इसके बाद वो लाइट हो जाते हैं स्कैम और सीट्स के दो विंग्स होते हैं जिससे कि वो एयर में मूव करते हैं राइट नाउ नेक्स्ट एजेंट देखते हैं वो क्या है आपका डिस्पोजल बाय वाटर यानी नेक्स्ट एजेंट इज वाटर Water acts as agent of disposal for plants which grow in or near water. For example, coconut trees grow along coastal regions. Sometimes a ripe coconut falls into the sea and is carried far away. The thick coat of coconut fiber holds air and the coconut can float for thousands of miles into the sea. वाटर भी आपका एक एजेंट है जो डिस्पोजल में हेल्प करता है लेकिन सिर्फ ये उनकी हेल्प करेगा जो प्लांट्स की जो पानी के आसपास होंगे या पानी में ग्रो करेंगे जैसे कि कोकोनट ट्री है वो आपका कोस्टल रीजन के अलोंग ग्रो करता है कई बार क्या होता है कि राइप कोकोनट जैसे हो कि वो समुद्र में गिर गया और देन इट इज कैरीड फार अवे तो जो थिक कोट होता है कोकोनट फाइबर का वो एयर को होल्ड करके कर रखता है कोकोनट में और फिर वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स जो है वो फ्लोट कर जाता है सी में राइट Disposal by animals, okay so our next agent is animals, animals and human beings also help in seed disposal. They like to eat some fruits, they take away the fruits to different places then they eat them and throw away the seeds. The seeds of mangoes, cherries, apples etc get dispersed in this way. Some seeds present in fleshy fruits like berries are eaten by some birds. The birds fly away to different places where these seeds are passed out, in their droppings and helped. Squirrels collect nuts like acorns and bury them for later use, but they often forget where they buried them. Later, the seeds grow into new trees. अच्छा देखिए जितने भी animals हैं या human beings से ये जो है seed dispersal में help करते हैं। जैसे कि आप कुछ चोचे कई बार क्या होता है कि हम fruit खाते हैं। ओके okay, तो अब जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे खड़े होकर तो हम फ्रूट नहीं खाते हम खा, कई बार खाते खाते चलते हैं मतलब जिस प्लेस से हमने लिया था वो दूसरी जगह पर पहुँच गया और उसको वहीं पर फेंक देते हैं उसकी सीड कहीं और पे चले जाते हैं मैंगोज़ चेरीज़ और आपके के जो सीड्स होते हैं वो इसी तरह से आपके डिस्पोज होते हैं ओके okay, कुछ सीड्स होते हैं जो फ्लैशी फ्रूट्स में होते हैं आपके जैसे कि बेरीज उनको बर्ड्स खाती हैं तो क्या होती है कि बर्ड्स दूसरे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे फ्लाई करती हैं तो जब वो सीड उनकी ड्रूपिंग में आता है जब वो ड्रूप करते हैं तो उनकी वो सीड जो है उनकी ड्रूपिंग में पास हो जाता है ओके okay? और उसको कोई नुकसान नहीं होता आई I मीन mean उस सीड को राइट right? स्क्रल्स जो है वो क्या करती है नट्स को कलेक्ट करती है जैसे एकॉन को और फिर वो बैरी कर देती है उसको जमीन में कहीं पे बैरी कर देती है कि हाँ इसको हम बाद में यूज़ करेंगे लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमने कहाँ पर बैरी किया था अब क्या होगा उसने बैरी तो कर दिया अब वो खाना भी भूल गई कि कहाँ पर रखा था तो उससे फिर आपका नया प्लांट बन जाता है राइट द फ्रूट्स ऑफ सैम प्लांट्स लाइक दम एंड सैंडवर हैव फूक्स और स्पाइस टेक टू दी कोट्सिंग एनिमल्स क्लॉज ऑफ बर्ड्स इसी तरह से कुछ प्लांट्स के फ्रूट होते हैं जैसे कि जैंतीम की हम बात करें या सेंडब की बात करें तो इनकी होक्स होते हैं या स्पाइन कह सकते हैं स्पाइन होते हैं तो ये जो एनिमल्स होते हैं उनके फरी कोट में चिपक जाते हैं बर्ड्स के क्लॉज में और कई बार हमारे क्लोथ्स में भी चिपक जाते हैं ओके okay? फिर ये जो फ्रूट्स है मतलब ये जो चिपक गए सीड्स है ये फिर ये कैरी अवे हो जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में फिर ये जो हमारे जैसे बॉडी से चिपके है तो हमने उनको निकाला कहीं और फेंक दिया तो वहां पे क्या होगा फिर इन सीड से आपके नए प्लांट्स बन जाएंगे राइट डिस्पोजल बाय एक्सप्लोजन ओके एक्सप्लोजन ये भी आपका एक एजेंट है वॉट इज एक्सप्लोजन एक्चुअली सम प्लांट्स लाइक द पी चरेनियम बेल्सम एंड मस्टर्ड हैव सीड्स इन देयर pods. when the pods dry up, they burst, open suddenly. The force of this explosion scatters the seeds in all directions. These factors, that is wind, water, animals, humans, and explosion, are known as agents of dispersal. अच्छा जैसे पी प्लांट की बात करें, बाल्सम प्लांट है, आपका मस्टर्ड प्लांट है, तो ये क्या होता है कि ये पॉड्स में होते हैं कि seeds, तो जो pod dry up हो जाती है, तो ये suddenly burst हो जाते हैं, open कुल जाते हैं। फिर क्या होता है एक्सप्लोजन की फोर्स की वजह से जो सीड है वो सारे डायरेक्शन में आपके स्कैटर हो जाते हैं ओके सो देखिए ये आपके सारे क्या है एजेंट्स ऑफ डिस्पोजल ओके जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट एंड एट एन प्लांट ग्रोज फ्लावर्स द फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट हैज सीड्स if the seeds get suitable conditions, they germinate and grow into a new plant. When this plant becomes an adult, it bears flowers, the cycle repeats itself. Acha adult plant cho hai aapka? फ्लावर ग्रो करता है राइट right? फ्लावर आपका फ्रूट में टर्न हो जाता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में आपके सीड्स होते हैं फिर जब सीड को सूटेबल कंडीशन मिलता है तो वो जोमिनेट होता है उससे फिर नया प्लांट होता है फिर जब ये प्लांट अडल्ट हो जाता है ये फ्लावर बेयर करता है एंड देन दिस साइकिल रिपीट इट सेल्फ ये चलता ही रहता है ओके okay? तो इस तरह से आपका सीड से प्लांट बनता है देन अगेन आपका वो साइकिल पूरा जो प्रोसेस है आपका चलता रहता है ओके सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एडल्ट प्लांट नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रॉपोगेशन सम प्लांट्स डू नॉट ग्रो फ्लावर्स सच प्लांट्स डू नॉट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम अदर पार्ट्स लाइक रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम पार्ट्स अदर देन सीड्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेसन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन भी ईदर नेचुरल और आर्टिफिशियल अच्छा कुछ प्लांट्स में आपके फ्लावर नहीं होते तो फिर ऐसे प्लांट जो है वो सीड से ग्रो नहीं करते इनफैक्ट ये दूसरे पार्ट से आपके रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि रूट्स है स्टेम्स है या लीव है ओके okay? तो इसे कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी रिप्रोडक्शन जब प्लांट का होता है अदर देन सीड किसी दूसरे पार्ट से तो ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है ओके okay? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात करेंगे सम प्लांट्स नेचुरली रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स देयर इज एन एडवांटेज ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रो दिस प्रोसेस न्यू प्लांट्स ग्रो रैपिडली बाई पासिंग द मेच्योरिंग ऑफ द सीलिंग फीस अच्छा कुछ प्लांट्स आपके नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं पाथ से अदर देन सीड्स राइट तो एक एडवांटेज होता है नेचुरल वेजिटेरियन प्रोपोगेशन का क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है कि न्यू जो प्लांट है ना वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है ओके नंबर वन फ्राम अंडरग्राउंड स्टेम्स द पोटेटो जिजर एटसेट्रा आर अंडरग्राउंड स्टेम्स दे हैव बर्ड्स कॉल्ड आइस ऑन दैम द आइस प्रोड्यूस सूट्स दैट ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स ओके इन प्लांट्स की अगर हम बात करें एक्चुअल में आपको लगता होगा कि रूट है बट एक्चुअल में अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं तो उनके बर्ड्स होते हैं जो नाम कहते हैं आइस ओके तो आइस शूट को प्रोड्यूस करते हैं जहां से नया प्लांट आपका ग्रो करता है ओके नेक्स्ट फ्रॉम बर्ब्स अ बर्ब इज एन अंडरग्राउंड स्टेम विद फ्लैशी लीव्स अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसमें फ्लेशी लीव्स होते हैं जैसे कि इन प्लांट्स की बात करें ये सारे एग्जाम्पल्स आपके बल्बस के ओके तो ये जो बल्ब है ये रिप्रोड्यूस आपके होते हैं टाइनी बल्बलेट्स से ओके जो कि पेरेंट बल्ब पे आपके बनते हैं नंबर थ्री फ्रॉम रनर्स

जो आपकी रनर्स पे बनती है जैसे ही वो ग्राउंड को टच करती है तो वहां पे से क्या होता है कनेक्शन जो है पेरेंट प्लांट का ब्रेक हो जाता है फिर एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है ओके नंबर फोर फ्रॉम लीव्स सम प्लांट्स ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम द एज ऑफ द लीव्स। द स्प्राउट लीव प्लांट ब्रायोफाइलम एंड द एलिफेंट प्लांट बिगोनिया ग्रो बर्ड्स ऑन देयर लीव्स

स्प्राउट लीफ प्लांट की बात करें जैसे ब्रायोफिलम एंड एग ये गोनिया में बर्ड्स ग्रो होते हैं फिर न्यू प्लांट जो होगा उनकी खुद के लीव्स एंड रूट्स होते हैं राइट नेक्स्ट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ओके अभी तक हमने बात की थी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाउ विल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन गार्डनर्स यूज मेनी मैथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टू ग्रो न्यू प्लांट्स Through this they can replicate a good quality plant into many new plants having similar qualities and consistency. Let us study the common methods of artificial vegetative propagation. तो so, देखिए artificial method का जो vegetative propagation इस method का ka use करते हैं gardeners जिससे कि वो बहुत सारे नए plants grow करते हैं, okay? तो सबसे पहले बात करते cuttings के इट इज यूज फॉर ग्रोइंग द रोज द शुगर ग्रेप क्रोटन्स एट्सेट्रा अ कटिंग इज अ पीस ऑफ मेच्योर स्टेम हैविंग अ बर्ड दैट है कटिंग इज प्लांटेड इन सच अ वे दैट द बर्ड रिमेन्स अबव द ग्राउंड सोन इट ग्रोज इन टू अ न्यू प्लांट कटिंग आपने अक्सर देखा होगा रोज प्लांट को जैसे ग्रो करते तो उसके स्टेम को कट कर दिया जाता है शुगर केन में भी ऐसे किया जाता है ग्रेप्स है या क्रोटन्स है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं तो एक्चुअल में कटिंग कटिंग एक पीस होता है मिच्योर स्टेम का जिसमें बड़ होती है जो पेरेंट प्लांट से कट करती जाती है फिर इसके बाद जो कटिंग है उसको इस तरह से प्लांट किया जाता है कि जो बड़ है वो ग्राउंड के ऊपर रहता है उसके बाद वहां से एक नया प्लांट आपका ग्रो करता है राइट नंबर टू ग्राफ्टिंग एंड बडिंग इन दीज अ स्टेम पीस इन ग्राफ्टिंग और अ सिंगल बर्ड इन बार्डिंग इज ज्वाइन ऑन टू द स्टेम ऑफ अ प्लाट दैट है अच्छा इसमें क्या होता है ग्राफ्टिंग इन बार्डिंग में कि एक स्टेम पीस होता है और यह आपका एक सिंगल बर्ड होता है उसको जॉइन कर दिया जाता है प्लांट के स्टेम में जिसकी रूट है मीन्स एक प्लांट है जिसकी रूट्स है एंड दूसरा जो प्लांट है उसके स्टेम को उसके साथ आपका मर्ज कर दिया जाएगा च्वाइन कर दिया जाएगा ओके okay? और वैसे ये जनरली यूज किया जाता है फ्रूट ट्रीज के लिए ओके नंबर थ्री सिंपल लेयर it is used for shrubs where cuttings and graftings are not possible in this method first a lower stem is selected then using a sharp object a groove is made in it by removing bark this portion of the stem is buried in moist soil with time root grows on the grooved area now the rooted stem is separated from the parent plant ओके okay. अब जो ये स्लरिंग का मेथड है ये आपके लिए शॉर्ब्स के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ना तो कटिंग पॉसिबल होती है ना ग्राफ्टिंग आपकी पॉसिबल नहीं होती तो इसमें क्या किया जाता है कि पहले जो लोअर स्टेम है उसको सिलेक्ट किया जाता है फिर एक शार्प ऑब्जेक्ट से ग्रूव बनाया जाता है ओके okay? मतलब उसकी बाग को यानी उसकी जो छाल है उसको रिमूव करना देन एक ग्रूव बनाया जाता है फिर जो पोर्शन है स्टेम का इसको मॉइस्ट सोइल में बेरी किया जाता है फिर इसके बाद टाइम के साथ रूट जो है वो ग्रूव एरिया में ग्रो करती हैं आपके एंड जो रूटेड स्टेम होती है वो पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाता है राइट सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे